समय सहारा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ में खजना। नरसिंहपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव 6 जुलाई को होने, जिसको लेकर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी आमने सामने हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा आज नरसिंहपुर जिले की नगर परिषद तेंदुखेड़ा में चुनाव कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिनमें तेंदुखेड़ा कांग्रेस विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर कांग्रेस कमेटी मैथिली शरण तिवारी, शैलेंद्र दीवान, देवेंद्र पटेल, संदीप पटेल और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नगर परिषद तेंदुखेड़ा के कांग्रेसी पार्षद प्रत्याशी शामिल हुए। महंगाई बढ़ाना, महंगाई कमाना सरकार के पास एक ही काम है, 20 रुपए बढ़ा दो, 10 रुपए कम कर दो, 100% 100 की चीज 300 में करके, 300 से 280 में करके बढ़िया नाम कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से केंद्र में बैठे नेताओं से, हमारे प्रदेश के नेताओं से, यहाँ के लोकल के हमारे जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि कम से कम एक बार यथार्थ की बैठक ये दिल्ली में करवाएं। देश की जनता इतनी संपन्न नहीं है कि रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी कर दी जाए। सरकार का पहला दायित्व होता है कि हमारे देश में रहने वाले गरीब तबके के आदमी के लिए रोज की उपयोग की सामग्री को सस्ती मिले, ये सरकार का काम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहली बार ये सरकार बनी है जो लगातार रोज के उपयोग का सामान महंगा कर रही है, कि जिसके बगैर जनता काम नहीं चल सकता। तेल के बगैर आदमी चाहे गरीब हो चाहे बड़ा सब्जी नहीं बन सकती, ऐसी चीजों को छू रहे हैं जो आदमी मजबूरी में डीजल पेट्रोल के बगैर कोई कहीं जा नहीं सकता, उसको महंगा कर दो। मजबूरी में भी थोड़ा बहुत तो लेगा, लेकिन अच्छी परिपाटी नहीं है। सरकार का काम है कि आम जनता की चीजें कम दाम में उपलब्ध कराए और देश में मंचन बना रहे हैं।